नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर से एक नई हेल्थ केयर इंडस्ट्री का फ्रेंचाइजी लेके आया हूँ। अगर आप अपना खुद का पैथोलॉजी लैब ओपन करने की सोच रहे हैं बट कन्फ्यूज है, आपको नहीं पता कि उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स प्लस कौन कौन से टेस्ट की फैसिलिटी जो है आपको अपने पैथोलॉजी लैब में रखने पड़ेंगे, तो फ्रेंड्स अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स ये फ्रेंचाइजी आपके लिए है। फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रेंचाइजी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री होता है फ्रेंड्स कि उसमें कभी मंडी नहीं आता है और ये हमेशा डिमांड में रहा है और आने वाले समय में जो है हमेशा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि इस कोरोना महामारी के दौरान भी जो है दो इंडस्ट्री ऐसे है जो कि कंटिन्यूसली जो है ग्रोथ में रहा है। पहला जो इंडस्ट्री है वो हेल्थ इंडस्ट्री है, दूसरा जो इंडस्ट्री है वो ग्रोसरी इंडस्ट्री है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अगर आप अपना स्टार्टअप लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, उस कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब। डॉक्टर लाल पैथ लैब जो कंपनी है ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में। और फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है पूरे देश भर में जो है अपने पैथोलॉजी सर्विस को जो है प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब जो कंपनी है अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क जो है बढ़ाना चाहती है, तो इसके लिए जो है ये कंपनी जो है अपना फ्रेंचाइज बिजनेस लेके जो है मार्केट में आई है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप डॉक्टर लाल पैथ लैब का फ्रेंचाइजी लेके जो है आप खुद का पैथोलॉजी लैब ओपन भी कर सकते हैं और महीने का अच्छा खासा आप अर्न भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब का फ्रेंचाइजी लेना है तो इसके लिए डॉक्टर लाल पैथ के कितने फ्रेंचाइजी मॉडल है, प्लस उसके लिए आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा, आपको कितना स्पेस का रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इसके लिए जो है आपको कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, ये सारी चीज जो है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो के एंड में ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब का फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो उसके लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक नंबर भी प्रोवाइड करूंगा जिस नंबर पर आप डायरेक्टली कॉल करके जो है आप फ्रेंचाइजी का इंक्वायरी भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि जो भी मैं आपको जानकारी डॉक्टर लाल पैथ लैब फ्रेंचाइजी के बारे में आपको देने जा रहा हूं उसकी नॉलेज जो है आपको पूरी तरह से मिले। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि फ्रेंड जितनी भी मेरे नए नए वीडियो है फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर लाल पैथ लैब का हम लोग फ्रेंचाइजी क्यों लें। डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जो है पैथोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि डॉक्टर लाल पैथ लैब के पास में जो है 60 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पैथोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करने का। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब में जो है बहुत ही वैरायटी ऑफ टेस्ट जो है कैरी आउट किए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉलिकुलर डायग्नोसिस है, बायोफिजिक्स है, फिर फ्लो साइटोमेट्री है, इम्यूनोफेनोटाइंग है, साइटोजेनेटिक्स है, इंडोस्ट्राइनोलॉजी है, जेनेटिक्स है, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म है, ऐसे बहुत सारे प्रकार के टेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब में। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बता दूं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब का जो रिपोर्ट होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, यानी फ्रेंड्स वो अपना क्वालिटी जो है मेंटेन करके रखती है। उसके बाद आप इंडिया में कहीं पर भी चले जाइए, आप किसी भी डॉक्टर से आप अपना इलाज करा रहे हो, अगर आपके पास में डॉक्टर लाल पैथ लैब का रिपोर्ट है तो आपको डॉक्टर मना कभी नहीं करेगा, क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि डॉक्टर लाल पैथ लैब का जो रिपोर्ट होता है उसमें एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है इंडिया के हाईएस्ट एक्रेडिटेशन लेबोरेटरी मानी जाती है, क्योंकि डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है कॉलेज ऑफ अमेरिका पैथोलॉजी से जो है एक्रेडिटेशन है, उसके बाद NABL से है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है और इसके पास ISO 9001:2000 का सर्टिफिकेशन भी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप डॉक्टर लाल पैथ लैब के साथ में अगर जुड़ते हैं तो फ्रेंड्स आपको कंपनी जो है आपको साथ में लेके चलेगी, यानी फ्रेंड्स आपको कंपनी जो है पूरी तरह से सपोर्ट करेगी आपको मार्केटिंग और सेल्स के लिए। यानी फ्रेंड्स, कंपनी का ऐसा मोटो है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं उसका हाथ पकड़ के आपको जो है ग्रो कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप यहां समझ सकते हैं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है कंपनी कितनी अच्छी है। आपको मैं दिखा देता हूं कि यहां पे कुछ फ्रेंचाइजी जो है अपने जो बिजनेस के बारे में उन्होंने बताया है। आप देख रहे हैं यहां पे मिस्टर संजय गुप्ता जो कि डॉक्टर लाल पैथ लैब का कलेक्शन सेंटर जो है ओपन किए हुए हैं। ये क्या बोलते हैं कि इट ऑल स्टार्टेड 7 ईयर्स ago, यानी कि उसका 7 साल जो है बीत चुका है डॉक्टर लाल पैथ लैब का वो कलेक्शन सेंटर चला रहे हैं अभी भी। उसके बाद आप देख रहे हैं कि एज ए बिजनेस मैन विथ ए स्मॉल 300 square feet शॉप आई वॉज प्रेजेंटेड विद द बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ ओपनिंग ए डॉक्टर लाल पैथ लैब कलेक्शन सेंटर। यानी फ्रेंड्स, इन्होंने 300 square feet एरिया में जो है अपना डॉक्टर लाल पैथ लैब का कलेक्शन सेंटर इन्होंने ओपन किया है।
और ये क्या बोलते हैं कि इनिशियली आई वॉज हेजिटेटेड एज आई हैड नो क्ल्यू ऑफ मेडिकल वर्ड्स बट डॉक्टर लाल पैथलेब स्टाफ वॉज वेरी कोऑपरेटिव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टर संजय गुप्ता ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर लाल पैथलेब के जो स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, उन्होंने मिस्टर संजय गुप्ता को ट्रेन भी किया और गाइड भी किया थ्रू आउट दिस जर्नी। जब वो पीछे 7 साल को देखते हैं तो वो अपने आप में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और ये बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं किया वो बिजनेस में सक्सेस भी किए, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी में बहुत ही रिस्पेक्ट गेन किया और पैसा भी जो है बिजनेस से बहुत कमाया है। फ्रेंड्स आज का समय है जब उनको कॉलोनी में डॉक्टर गुप्ता करके पुकारते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे फ्रेंचाइजी है जो अपना फीडबैक यहां पे दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब का अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होगा। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स पहला जो क्राइटेरिया है कि आपके पास में 200 से लेकर 300 स्क्वायर फीट आपके पास में जगह होने चाहिए और जिसमें टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, और आपका जो भी जगह होगा वो ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए। देन उसके बाद आप देख रहे हैं क्या लिखा होगा, शुड बिलोंग मेडिकल एक्सपीरियंस बैकग्राउंड एंड ऑल्सो नॉन एक्सपीरियंस एप्लीकेंट विल बी कंसिडर फॉर फ्रेंचाइज। यानी फ्रेंड्स अगर आपके पास में मेडिकल फील्ड का अगर एक्सपीरियंस है तो और बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक्सपीरियंस वालों को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और फ्रेंचाइजी के लिए उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अगर आपके पास में मेडिकल फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं भी है फिर भी जो है आप इसके फ्रेंचाइजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि ए सेल्फ मोटिवेटेड एंटरप्रेनर। यानी फ्रेंड्स अगर आप एंटरप्रेनर हैं तो आप सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स कि अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब का स्टार्टिंग में आप फ्रेंचाइजी ले लिए उसके बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल चलेंगे कि मेरा बिजनेस सक्सेस करेगा कि नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स इससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास में सेल्फ मोटिवेटेड एंटरप्रेनर की क्वालिटी होनी चाहिए। देन उसके बाद देखेंगे कि आपको क्या क्या एडवांटेज होने वाला है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको जो है एक हाईलाइट पॉइंट में दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको एडवांटेज होने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी ए पार्ट ऑफ इंडिया ट्रस्टेड एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन। यानी कि फ्रेंड्स आप इंडिया के नंबर वन ट्रस्टेड ब्रांड के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते होंगे कि आपका जो भी एडवांटेज है कितना होने वाला है। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप डॉक्टर लाल पैथलैब का कलेक्शन सेंटर जो है ओपन कर सकते हैं। आपको 3 से 4 लाख रुपए जो है आपको खर्च करने पड़ेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे जो है आपको बहुत ही अच्छा खासा आपको रिटर्न जो है मिलने वाला है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर लाल पैथलैब के कितने फ्रेंचाइजी मॉडल है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर लाल पैथलैब का 2 फ्रेंचाइजी मॉडल है। पहला जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उसको डायग्नोस्टिक सेंटर बोलते हैं, और जो दूसरा फ्रेंचाइजी मॉडल है उसको कलेक्शन सेंटर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग पहला फ्रेंचाइजी मॉडल देखेंगे जिसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक सेंटर। तो अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब का डायग्नोस्टिक सेंटर का अगर फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको कितना एरिया का रिक्वायरमेंट रहेगा, प्लस आपको अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में आपको कौन कौन से टेस्ट की फैसिलिटी जो है आपको अवेलेबल करने पड़ेंगे अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में, वो सारी चीज़ जो है हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पहले मैं आपको इंडिया के लिए बताने वाला हूं कि अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं यानी कि आप अगर भारत में रहते हैं तो आपको उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर लाल पैथलैब का डायग्नोस्टिक सेंटर का फ्रेंचाइजी मॉडल लेते हैं तो फ्रेंड्स आपको जो है 1.25 करोड़ के आसपास जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि आपका जो लैब का कॉस्ट है और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट का उसके लिए जो है आपको अलग से खर्च करने पड़ेंगे। देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना एरिया का रिक्वायरमेंट है, आपको जो है 3500 स्क्वायर फीट का जो है आपको एरिया का रिक्वायरमेंट रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी एरिया रहेगा वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, और साथ में आपके एरिया के अंदर जो है बाथरूम की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको कौन कौन से पैथोलॉजी सर्विस जो है आपको वहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं पहला जो है रेडियोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के सर्विस जो है आपको अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में आपको अवेलेबल रखने पड़ेंगे। देन उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप इंडिया से बाहर के हैं और वहाँ से आप डॉक्टर लाल पैथलैब के फ्रेंचाइजी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उस केस में जो है आपको कितना खर्च करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है आपका सेम आने वाला है 1.25 करोड़ का, और साथ में लैब और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है आपको अलग से खर्च करने पड़ेंगे, और एरिया जो है आपको 3500 स्क्वायर मीटर ही आपको रिक्वायरमेंट रहेगा जो कि ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए और साथ में टॉयलेट अटैचमेंट होना चाहिए। देन आप देख रहे हैं ये सारे सर्विस जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल रखने पड़ेंगे आपको अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में। देन उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि डॉक्टर लाल पैथलैब का जो दूसरा फ्रेंचाइजी मॉडल है कलेक्शन सेंटर उसके लिए कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको कितना एरिया का रिक्वायरमेंट रहेगा। आप देख रहे फ्रेंड्स आपको 3 से 5 लाख रुपए जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डॉक्टर लाल पैथलैब का कलेक्शन सेंटर ओपन करने के लिए, और आप देख रहे हैं आपको कितना एरिया का रिक्वायरमेंट रहेगा 150 से लेकर 300 स्क्वायर फीट का आपके पास में एरिया होना चाहिए, और वो एरिया जो है ग्राउंड फ्लोर में होना चाहिए, प्लस आपका जो भी एरिया होगा
उसमें जो है टॉयलेट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। प्लस मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर लाल पैथ लैब का कलेक्शन सेंटर ओपन करने के लिए आपको ना तो कोई लैब का डिजाइन करना है, ना ही कोई उसमें टेस्ट के इंस्ट्रूमेंट जो है आपको रखने पड़ेंगे। आपके सेंटर में बस सैंपल कलेक्शन किया जाएगा, यानी कि अगर किसी को शुगर का टेस्ट करना है तो वहां से आपको जो है सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा ब्लड का, और ब्लड का सैंपल कलेक्ट करके जो है आपको सेंटर में देना पड़ेगा। वहां से जो है आपका ऑनलाइन रिपोर्ट जो है अपलोड हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा कस्टमर जो है अपना रिपोर्ट जो है ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकता है। यहां पर डॉक्टर लाल पैथ लैब में बहुत ही अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, यानी फ्रेंड्स कोई भी कस्टमर जो है अपना रिपोर्ट जो है ऑनलाइन जो है डाउनलोड कर सकता है। देन उसके बाद देखें फ्रेंड्स कि अगर आप डॉक्टर लाल पैथ लैब का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब जो कंपनी है आपको किस प्रकार से सपोर्ट करती है। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डॉक्टर लाल पैथ लैब वुड प्रोवाइड इनपुट्स इन लैब डिजाइन एंड ऑपरेशन। यानी फ्रेंड्स डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है आपको लैब डिजाइन और ऑपरेशन जो भी होगा आपके लैब का वो सारे चीज़ में जो है आपको मदद करती है। आपका जो भी कलेक्शन सेंटर या डायग्नोसिस सेंटर आपका रहेगा उसके लिए जो है आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस उसका कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए इसके लिए सारे चीज़ जो है गाइडेंस किए जाएंगे आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब कंपनी की तरफ से। देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डॉक्टर लाल पैथ लैब वुड एडवाइज ऑन द इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड इन द लेबोरेटरी एंड ऑल्सो हेल्प इन द प्रोक्योरमेंट एट रीजनेबल प्राइस। यानी फ्रेंड्स आपको अपने डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स या कोई भी चीज़ की अगर जरूरत होगी तो उसके लिए जो है आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है आपको असिस्ट करेगी, ताकि जो भी आपका इक्विपमेंट है वो एक रीजनेबल प्राइस में जो है आपको मिल सके। देन उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाईली एक्सपीरियंस डॉक्टर लाल पैथ लैब प्रोजेक्ट टीम वुड प्रोवाइड फुल मैनेजमेंट सर्विस टू इनेबल द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी फ्रेंड्स आपका जो भी सपना होगा आपका कलेक्शन सेंटर या डायग्नोसिस सेंटर ओपन करने के लिए, तो उसके लिए जो है डॉक्टर लाल पैथ लैब की जो भी प्रोजेक्ट टीम होगी वो आपको पूरा सपोर्ट करेगी, प्लस आपका जो भी प्लानिंग रहेगा जो भी इम्प्लीमेंटेशन रहेगा प्रोजेक्ट का उसको पूरा एग्जीक्यूट करके जो है आपको पूरा प्रोवाइड करेगी डॉक्टर लाल पैथ लैब का प्रोजेक्ट टीम। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब का फ्रेंचाइजी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। आप देख रहे फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड किया है, आप डायरेक्टली जो है इस मेल आईडी पे अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप फ्रेंचाइजी के लिए जो है इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप डायरेक्टली इस लिंक पे चले जाएंगे तो फ्रेंड्स आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, फ्रेंचाइज क्वेरी, यानी फ्रेंड्स आपको अगर फ्रेंचाइजी चाहिए डॉक्टर लाल पैथ लैब का तो आपको इस फॉर्म को जो है फिल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स पहले आप इस फॉर्म को फिल कर देंगे, उसके बाद जो है आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको फिल कर लेता हूं, उसके बाद जो है मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूंगा। आप देख रहे फ्रेंड्स मैंने इस फ्रेंचाइजी के फॉर्म को फिल कर दिया है, उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा फ्रेंड्स आप देख रहे हैं मेरे पास इस प्रकार से पॉपअप मैसेज आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर क्वेरी, वी विल गेट इन टच विथ यू। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली जो है सबमिट हो चुका है, और आपको 24 आवर के अंदर डॉक्टर लाल पैथ लैब की तरफ से आपका जो भी फ्रेंचाइजी का इंक्वायरी है उसके रिगार्डिंग आपको कॉल आएगा, प्लस आपको सारी जानकारी आपको दी जाएगी आप कैसे इसका सेटअप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है आपका फ्रेंचाइजी का जो है प्रोसेस जो है आगे की ओर बढ़ेगा। उसके बाद मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, और फ्रेंड्स अगर आपको डायरेक्टली कॉल करके डॉक्टर लाल पैथ लैब का अगर इंक्वायरी चाहिए फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग, तो फ्रेंड्स आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके जो है डॉक्टर लाल पैथ लैब का आप फ्रेंचाइजी के बारे में जो है जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पास में बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है अभी अपना फ्रेंचाइजी ऑफर कर रही है। फ्रेंड्स आप डॉक्टर लाल पैथ लैब का आप फ्रेंचाइजी लेके जो है आप डायग्नोस्टिक सेंटर प्लस कलेक्शन सेंटर जो है आप ओपन करके अच्छा खासा आप महीने का अर्न कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी मेरे एरिया का डॉक्टर लाल पैथ लैब का जो भी कलेक्शन सेंटर है या डायग्नोस्टिक सेंटर है फ्रेंड्स वो महीने के अच्छे खासे कमा रहे हैं। मैं कलेक्शन सेंटर का कमाई बता रहा हूँ, वो महीने का 60,000 रुपये कमा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे समझ सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर आपका भी सपना है कि आपका खुद का पैथोलॉजी लैब हो, तो फ्रेंड्स आप डॉक्टर लाल पैथ लैब का फ्रेंचाइजी लेके जो है आप अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हैं और महीने का अच्छा खासा आप अर्न भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको डॉक्टर लाल पैथ लैब के फ्रेंचाइजी के बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहां आंसर भी करूंगा और मैं आपको वहां पर गाइड भी करूंगा कि आप डॉक्टर लाल पैथ लैब का आप फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो है फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको समय पे मिलते रहे। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।